पार्टनर डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन फिर से नए टॉपिक के साथ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्निंग सिस्टम। तो देखिए, गवर्निंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो टर्बाइन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के द्वारा, इसी सिस्टम के द्वारा हमारा टर्बाइन का जो स्पीड है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग गवर्निंग सिस्टम को अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो प्लीज आप लोग पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं। तो देखिए, गवर्निंग सिस्टम को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल से समझ लेता हूं कि गवर्निंग होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास एक कार है, ठीक है, जो कि उसका तीन पोजीशन मैंने दिखाया है। एक हमारा कार प्लेन पे मूव कर रहा है, एक हमारा कार जो है कोई हिल पे मूव कर रहा है, हिल पे चढ़ रहा है, या कोई कार हमारा हिल से नीचे की तरफ उतर रहा है। ये तीन एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लीजिए हमारा कार का जो स्पीड है वो हमको कंटिन्यू मेंटेन कितना करना है, 60 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर हमको इसका स्पीड मेंटेन करना है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी हमारा यहाँ पे एक स्पीडोमीटर लगा है, यहाँ पे एक ड्राइवर है जो भी मतलब पर्सन वर्क इसको चला रहा है। तो मान लीजिए स्पीडोमीटर में इसका अभी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर दिखा रहा है, तो यह क्या करेगा, एस्केलेटर पे पैंडल, एस्केलेटर पे उसको अप्लाई करेगा लोड, जिसके वजह से हमारा स्पीड जो है इसका बढ़ जाएगा, और वो जैसे 60 किलोमीटर आएगा उतना ही पे एस्केलेटर पे वो होल्ड किए रहेगा, ताकि हमारा 60 किलोमीटर के स्पीड से कंटिन्यू हमारा कार जो है मूव करता रहे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही कार उसी रास्ते में हमारा कोई एक ऐसा हिल टाइप का आया, कोई पहाड़ी टाइप का एरिया आया, जहां पे हमारा कार को 60 किलोमीटर के स्पीड से ही चढ़ाना है। तो जैसे हमारा इस पे कार चलेगा तो क्या हमारा जो लोड है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, तो कार पे क्या हुआ, जैसे हाई पे चलाएंगे तो इस पे लोड बढ़ेगा, तो जब लोड बढ़ेगा तो कार का स्पीड क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, जब इसका कार यहाँ स्पीडोमीटर में देखेंगे तो जिस 60 था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, 40-50 तक आ जाएगा। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, जितना एस्केलेटर दिया था उतना और ज्यादा अप्लाई करेगा। तो जब अप्लाई करेगा तो ये फिर से क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति आवर वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे इंक्लाइन पे चढ़ा, यानी जैसे कार पे लोड बढ़ा, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, यानी एस्केलेटर दबाना पड़ा। ठीक है, वही अगर एक कंडीशन आता कि जैसे हमारा हिल से अब हमको क्या करना है, यहां से मान लीजिए हमारा कार आया वो डाउन में, उसको ये मान लीजिए वे है, अब हमारा डाउन में कार आ रहा है। ठीक है, इस टाइप का कुछ वे है, अभी मान लीजिए हमारा कार क्या है, यहां से डाउन में आ रहा है, तो इस कंडीशन में कार पे लोड क्या है, कम हो गया। जब लोड कम होगा तो इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगा, तो जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है, जो स्पीडोमीटर में देखेगा कि ये तो 70-80 से स्पीड जाने लगा, वो क्या करेगा, तुरंत ही एस्केलेटर से पैंडल क्या, पैर क्या करेगा, लिफ्ट कर लेगा, हटा लेगा, जिसके चलते स्पीड जितना चाहिए उसको 60 किलोमीटर वो उतना मेंटेन कर लिया। तो क्या किया, जो इसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो एक गवर्नर है, उसको आप समझिए कि एक गवर्निंग का काम किया है, कि जहां उसको लगा कि स्पीड कम हो रहा है वहां पे वो क्या किया, एस्केलेटर दिया, यानी ऑयल का सप्लाई दिया, ज्यादा ऑयल का उसके अंदर कंबस्शन हुआ, जिसके चलते हमारा इंजन जो है, कार जो है वो मूव करने लगा। जहां पे उसको लगा कि हमको लोड कम हो रहा है तो हमारा आरपीएम क्या किया, बढ़ गया, जिसके चलते वो एस्केलेटर से पैंडल पैर हटा लिया, जिसके वजह से कंबस्शन जो हो रहा है अंदर इनसाइड वो कम हो रहा है, जिसके चलते स्पीड जो है वो कंट्रोल हो जा रहा है। तो सेम थिंग जो यहां पे है, पर्सन जो बैठा हुआ है जो स्पीड कंट्रोल कर रहा है वो मान लीजिए गवर्नर है, टर्बाइन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वो गवर्नर है। मान लीजिए कि मैं एक गवर्नर हूं, तो मेरा फंक्शन क्या हुआ, टर्बाइन के स्पीड को कॉन्स्टेंट मेंटेन करना है, चाहे उस पर लोड टर्बाइन पे बढ़े या लोड हमारा घटे, या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो टरबाइन पे लोड, हमको क्या करना है, स्पीड उसका कांस्टेंट मेंटेन करना है। जैसा कि इस कार में बैठा व्यक्ति कैसे स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर एकदम कंटिन्यू मेंटेन कर किया है, चाहे वो एस्केलेटर दिया हो या एस्केलेटर को रिलीज किया हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूं समझने के लिए, कि ये हमारा टरबाइन का एक रफ डायग्राम बना दिया हूं। यहां से हम लोग जानते हैं टरबाइन का एंट्री होता है, और यह क्या है हमारा टर्बाइन का एक थ्रॉटल वाल्व, मान लीजिए एक्चुएटर है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, स्टीम को इन करवाते हैं टर्बाइन के अंदर। तो मान लीजिए अभी अगर हमारा लोड इंक्रीज कर गया, टर्बाइन पे लोड इंक्रीज कर गया, जैसे इस पे लोड क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा था, तो स्पीड क्या होगा, डाउन हो रहा था, तो वैसे ही इसका आरपीएम क्या होगा, डाउन होता है।
या क्यों होता है इसके लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम, ऐसा क्यों होता है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब आरपीएम रिड्यूस होगा, तो मान लीजिए बहुत ही ज्यादा कम होगा, उसके लिए हमको क्या करना है, यहां से जैसे ये एस्केलेटर दे रहा था वैसे ही हमको क्या करना है, स्ट्रीम का फ्लो देना है ताकि ये स्पीड जो है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद एक दूसरा कंडीशन आता है, मान लीजिए लोड जो है वो डिक्रीज हो गया, लोड डिक्रीज हो गया, जैसे ये लोड डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या होगा उसका, बढ़ रहा है, यानी आरपीएम क्या होगा, आरपीएम इंक्रीज करेगा। तो उस कंडीशन में हमको ये जो वाल्व है, जैसे यहां पे एस्केलेटर कैसे हटा दे रहा था वैसे इसको हमको कम करना है, ठीक है। तो यह जो ओपनिंग, जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो करता है ये हमारा थ्रोटल वाल्व को, वो किसके द्वारा होता है, तो गवर्निंग सिस्टम के द्वारा होता है। तो देखिए अभी हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं गवर्निंग सिस्टम का, कि क्या होता है, क्या बोल रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू एडजस्ट द स्टीम एंट्री इनटू द टर्बाइन, टर्बाइन के अंदर जो स्टीम का एंट्री है उसको एडजस्ट करेगा, मतलब कब ओपन करना है कब क्लोज करना है वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा गवर्नर के द्वारा। क्यों, टू मेंटेन द स्पीड ऑफ डिजायर्ड लेवल, डिजायर्ड लेवल तक हमारा टर्बाइन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, गवर्नर के द्वारा टर्बाइन स्टीम का जो एडजस्ट करेंगे कि कितना एंट्री करना है कि नहीं करना है। तो ये हुआ हमारा गवर्निंग सिस्टम का बेसिक समझने के लिए डेफिनेशन। तो देखिए यह जो गवर्निंग सिस्टम है, यानी जो यहाँ पे स्टीम का इनलेट और जो एंट्री है वो एडजस्ट करने के लिए मेनली तीन मेथड यूज करते हैं, तीन गवर्नर यूज होता है। एक होता है हमारा मैकेनिकल गवर्नर, जो कि इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, मैकेनिकल गवर्नर यानी थ्रोटल गवर्नर का पूरा सिस्टम डिटेल से समझेंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है हाइड्रोलिक गवर्नर, हाइड्रोलिक गवर्नर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसको गवर्न करने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑयल का प्रेशर से इसको कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए ऑयल का प्रेशर यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो होता है, जो आज के डेट में जो यूज हो रहा है वो है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम। देखिए इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल सेंसिंग, जो भी स्पीड होगा उसको एक मतलब सेंसर लगा देंगे जिसको उसको पता चल रहा है वहां पे, उसको इलेक्ट्रिकली मतलब सेंस होगा और उसको क्या करेगा, उसके बाद हाइड्रोलिक यानी कंट्रोलिंग जो होगा, ये कंट्रोल वाल्व को जो कंट्रोलिंग करेगा वो हाइड्रोलिक मेथड से कंट्रोल करेगा, यानी ऑयल के द्वारा कंट्रोल करेगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक। तो उसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे थ्रॉटल गवर्निंग यानी मैकेनिकल गवर्निंग कैसे वर्क करता है, उसे हम लोग समझेंगे थ्रॉटल गवर्नर का फंक्शन, कि कैसे थ्रॉटल गवर्नर के द्वारा टर्बाइन के आरपीएम को कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए थ्रॉटल गवर्नर के फंक्शन को समझने से पहले थ्रॉटल गवर्नर के कुछ पार्ट्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके फंक्शन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके पार्ट्स का कैसे फंक्शन होता है, उसके बाद थ्रॉटल गवर्नर को मैं टर्बाइन के साफ से कनेक्ट करके पूरा ऑपरेशन बताऊंगा कि कैसे आरपीएम कंट्रोल करता है। तो देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट को समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नर, यही हमारा मेन गवर्नर होता है। और गवर्नर आपको सीधे दिख रहा होगा कि यहाँ ये मेन इसका शाफ्ट हो गया है, और यहाँ पे आपको दो रेड कलर का दिख रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई बॉल। ये क्या है, हमारा फ्लाई बॉल है, इधर भी हमारा फ्लाई बॉल ही है। तो ये क्या होता है, और ये देखिए नीचे साइड हमारा क्या है, एक स्लीव लगा हुआ है, ठीक है। स्लीव का क्या फंक्शन है, ये अपर और लोअर हो सकता है, यानी ये मूवमेंट इसका अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, ऐसे होगा। तो ये अप एंड डाउन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे एक पिन के द्वारा ऐसे पॉइंट किया रहता है, फिक्स किया रहता है। तो यह क्या है, ऐसे ऊपर नीचे जाने के लिए या इस पॉइंट के अलोंग मतलब फ्री रहता है। तो देखिए होता क्या है कि जब हमारा इस शाफ्ट को हम लोग घुमाएंगे, मान लीजिए इस शाफ्ट को हम ऐसे पूरा मूव किए, ठीक है, ये शाफ्ट हो गया, इसको हम घुमाएं और यहां से हमारा ये बॉल है, तो जितना इसको घुमाएंगे वो बॉल क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा, यानी जितना इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। जब बाहर की तरफ जाएगा तो स्लीव क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए मैंने एक रेड कलर का आपको डायग्राम दिखाया है यहां पे, तो मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो गया, यानी हायर आरपीएम, इसका जो रोटेशन है मान लीजिए मैंने बहुत ही ज्यादा रोटेट कर दिया, तो ये क्या होगा, स्लीव यहां पर हमारा पहुंच गया, स्लीव का पोजिशन यहां पर चला गया, ठीक है, और ये फ्लाई बॉल हमारा आ गया। तो क्या देखे कि जब आरपीएम बढ़ेगा तो स्लीव हमारा ऊपर जाएगा, और जैसे आरपीएम रिड्यूस होगा तो स्लीव हमारा एक पोजीशन पे जहां पे डाउन है वहां तक आ सकता है। तो ये इसका फंक्शन है, इसको आगे हम लोग समझेंगे इसका कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पूल वाल्व।
इसका फंक्शनिंग क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि देखिए एक यहाँ इसमें कितना है, दो पिस्टन है, एक ये पिस्टन है और कनेक्ट है, पिस्टन रॉड से कनेक्ट हुआ है, और इसमें आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे पोर्ट है, एक यहाँ पे पोर्ट है, एक पोर्ट, दो पोर्ट, तीन पोर्ट, चार पोर्ट, पांच पोर्ट। यह क्या होता है, यहां से हमारा मेन पोर्ट से बीच से सेंटर से हमारा ऑयल इन करता है इसके अंदर, ठीक है, और ये जो दोनों पोर्ट है वो रिटर्न के लिए होता है। आप ये समझ लीजिए कि बस इसका, क्योंकि हम लोग ये जो कंट्रोल करते हैं थ्रोटल वाल्व कंट्रोल करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कंट्रोल करते हैं ऑयल से, पहले इसका फंक्शन समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां से ऑयल जब जाएगा तो देखिए ये जो रेड कलर वाला है वो उस वो हमारा ऐसा पोजीशन रहता है कि यहां से ऑयल हमारा इधर से आएगा और इधर से आउट हो जाएगा, वैसे ही लोअर साइड से हमारा ऑयल इधर आएगा, इधर से रिटर्न हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए इन केस ये जो आपका पिस्टन है, जो पिस्टन इसका पोजीशन यहां पे चला जाए, जैसे मैंने यहां पे बनाया है, ठीक है, ये पोजीशन यहां चला जाए तो क्या होगा, ऑयल हमारा यहां से इन करता है, ठीक है, यहां पे इन करेगा तो इसको एग्जिट होने का कहां से जगह मिल रहा है, तो देखिए ये वाला पोर्ट हमारा खुल गया, ये वाला क्लोज हो गया, तो इधर से हमारा रिटर्न नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा ऑयल जो है यहां से आउट हो जाएगा। लेकिन ये वाला पोर्ट हमारा पूरा क्लोज हो गया है तो जो भी हमारा रिटर्निंग ऑयल है वो हमारा यहां से आके यहां पे चला जाएगा, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया, जब हमारा पिस्टन जो है टॉप मोस्ट में रहेगा तब, अगर वही पिस्टन हमारा सबसे बॉटम मोस्ट में रहेगा, सबसे बॉटम में रहेगा तो क्या होगा, देखिए आप फिर यहां से ऑयल आप इन करा रहे हो, इन कराओगे तो फिर ऑयल कहां जाएगा, इधर से हमारा आउट हो जाएगा, ऑयल आउट हो गया, ठीक है, और हमारा जो रिटर्निंग होगा वो यहां से ऑयल आएगा और यहां पे हमारा जो भी है, देखिए टैंक से हम ऑयल को एक पंप के द्वारा इस पिस्टन के अंदर भेजते हैं और यह जो है फिर से वर्क करने के बाद हमारा रिटर्न कहां पे आ जाता है, टैंक पे आ जाता है। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन समझ गए कि कैसे हमारा स्पूल वाल्व वर्क करता है। उसके बाद हम लोग आगे फर्दर इसको कनेक्ट करेंगे एक सर्वो मोटर के द्वारा, कैसे वर्क करता है उसको हम लोग समझेंगे। आप ये है हमारा थ्रोटल गवर्नर का पूरा असेंबली ड्राइंग। तो देखिए अभी हम लोग एक एक कंपोनेंट्स को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए यह क्या है, हमारा गवर्नर है, जो कि अच्छे से हम लोग इसका फंक्शन समझ लिए कि कैसे टर्बाइन का जब स्पीड बढ़ता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट होने की वजह से स्लीव हमारा ऊपर चला जाता है, और जैसे टर्बाइन का स्पीड कम होता है तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बॉल पे कम एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से स्लीव हमारा नीचे की तरफ आ जाता है। और यह जो है हमारा स्पूल वाल्व है, जिसमें हम लोग देखे थे कि यहां से ऑयल इन करता था और यहां से हमारा टैंक में वापस जाता था, जैसे भी प्रोसेस होता था। अभी हम लोग देखे थे यहां पे एक पंप लगा के स्पूल वाल्व को ऑयल देते थे, ठीक है, और यहां पे एक पोर्ट था, एक इधर पोर्ट था, एक इधर पोर्ट था, तो इसका दोनों का पोर्ट को क्या किए हम लोग, यहां पे कनेक्ट कर दिए। यह क्या है, हमारा एक सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर भी एक पिस्टन सिलेंडर टाइप का ही दिखता है पूरा, उसका वैसे ही वर्किंग प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है कि यह जो ऑयल है, मान लीजिए यहां पे हमारा ऑयल पूरा फिल रहेगा, जो पिस्टन है हमारा दोनों तरफ ऑयल रहेगा, ठीक है, और यह जो पिस्टन का जो रॉड है वो देखिए यहां पे इस टाइप का बना है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोटल वाल्व। ये जो स्टीम को थ्रोटलिंग करेगा वो इसी से कंट्रोल करेंगे कि कितना स्टीम हम टर्बाइन में जाएगा या नहीं जाएगा। और थ्रोटल वाल्व हमारा किस पे स्टे किया है, तो ये देखिए एक सीट है, सीट पे हमारा थ्रोटल वाल्व स्टे किया है, ठीक है, तो यहां से देखिए हमारा स्टीम जो है इन करता है और यहां पे एक हम लोग रखे हैं स्टॉप वाल्व लगाते हैं, ठीक है, और यहां जब ये स्टॉप वाल्व खोलेंगे तो स्टीम हमारा इधर आ जाएगा चेस्ट में, इसको नोजल चेस्ट भी बोल सकते हैं, यहां पे आ जाएगा। और यहां पे आने के बाद अज्यूम कर लीजिए कि यह जो थ्रोटल वाल्व है पूरा बंद होगा तो स्टीम इधर तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे खुला रहेगा तो देखिए इस पैसेज के द्वारा हमारा स्टीम जो है वो कहां पे आएगा, तो ये है टर्बाइन। और हम लोग जानते हैं टर्बाइन में स्टीम का एक्सपेंशन होने के बाद फिर नीचे चला जाता है, तो जैसे टर्बाइन के अंदर आएगा और टर्बाइन से हमारा क्या है जनरेटर कनेक्टेड होता है तो हमारा लोड आ जाएगा। तो मान लीजिए कि जैसे हमारा लोड बढ़ेगा, ठीक है, लोड बढ़ेगा तो आरपीएम इसका क्या रिड्यूस होगा, तो जैसे आरपीएम रिड्यूस होगा वैसे हम लोग क्या करेंगे इस वाल्व को ओपन करेंगे, ठीक है, यानी यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमारा ये ऑयल यहां से इन करेगा और ऐसे जाके हमारा यहां पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो हमारा ये जो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाल्व खुलेगा
और स्टीम हमारा इधर आएगा। जैसे अगर अज्यूम कर लीजिए कि हमारा लोड क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, टर्बाइन पे लोड डिक्रीज हो गया, तो हमारा आरपीएम क्या होगा, इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोड जो होता है हमारा आरपीएम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों होता है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्यों हमारा लोड जब रिड्यूस होता है तो आरपीएम इंक्रीज होता है, या जब भी लोड इंक्रीज करेंगे तो आरपीएम क्यों रिड्यूस होता है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मान लीजिए यहां पे लोड रिड्यूस हुआ जिसके वजह से हमारा टर्बाइन का जो आरपीएम है वो इंक्रीज कर गया। तो जैसे टर्बाइन का आरपीएम इंक्रीज करेगा तो देखिए गवर्नर का जो शाफ्ट है और टर्बाइन का शाफ्ट दोनों एक दूसरे से गियर से कनेक्ट है, तो जितना हमारा टर्बाइन का रोटेशन रहेगा उतना ही हमारा ये जो गवर्नर है उसका रोटेशन रहेगा। तो मान लीजिए हम क्या किए हैं कि हमारा आरपीएम इंक्रीज हो गया, तो जितना आरपीएम इंक्रीज होगा उतना फ्लाईबॉल क्या होगा, बाहर की तरफ एग्जर्ट करेगा, और एग्जर्ट करके मान लीजिए हमारा पहुंच गया इस पोजीशन में, यानी स्लीव हमारा जो है यहां से लिफ्ट होके ये मूव करके यहां पर पहुंच गया है, ठीक है। और ये हमारा ये जो है कनेक्ट एक लिंक हुआ है, एक इसको कनेक्ट कर दिए हैं जो कि हमारा डायरेक्ट इससे जितना स्लीव ऊपर या नीचे होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा पिस्टन का मूवमेंट होगा स्पूल वाल्व के अंदर। यह क्या है हमारा स्पूल वाल्व, स्पूल वाल्व के अंदर जो पिस्टन है वो अप एंड डाउन करेगा। तो मान लीजिए अभी हमारा इस कंडीशन में है, लेकिन जैसे स्लीव हमारा ऊपर जाएगा तो इस लिंक के अलॉन्ग मान लीजिए हमारा यहां पे चला गया, तो क्या हुआ, ये जो हमारा मूवमेंट हुआ, ये पिस्टन का जो पूरा लिफ्ट हुआ वो इतना मूवमेंट हुआ, तो ये थोड़ा सा क्या होगा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो ये रेड यहां पे दिख रहा है वो, इसको मैं कुछ दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूं, यहां पे हमारा क्या होगा ये वाला पार्ट हमारा यहां पर चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला जब यहां पर चला जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां पर आ जाएगा, ठीक है। जब ये वाला आ जाएगा तो क्या हो गया, हमारा जो ओपनिंग जो हुआ, यहां से हम लोग क्या करते हैं ऑयल को एक पंप के द्वारा इन करवाते हैं स्पूल वाल्व के अंदर, और ऑयल देखिए यहां पे आ गया। अब इधर तो हमारा क्लोज हो गया, ऑयल इधर नहीं जाएगा, तो ऑयल जाएगा कहां, तो इस रास्ते से हमारा जाएगा, और मान लीजिए इधर जाने के बाद हमारा कहां पे आ गया, सर्वो मोटर के पास। तो सर्वो मोटर हमारा एक पिस्टन सिलेंडर टाइप का ही होता है, तो क्या करेगा ये पिस्टन पे क्या करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो जैसे फोर्स एग्जर्ट करेगा तो पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो पिस्टन के एंड में क्या है, हमारा थ्रॉटल वाल्व लगा है और ये सीट पे मतलब बैठता है, तो वाल्व क्या होगा नीचे की तरफ, हमारा यह क्या होगा नीचे की तरफ मूव करेगा। यानी जैसे हमारा ये जो स्पूल वाल्व ऊपर उठेगा तो थ्रॉटल वाल्व हमारा नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो यह जो गैप दिख रहा है जहां से स्टीम हमारा इन करता है, यहां से स्टीम इन करने के बाद ये इसके अंदर हमारा इन करता है, तो यह वाला जो गैप है वो कम हो जाएगा। जब कम होगा तो स्टीम का जो क्वांटिटी टर्बाइन के अंदर है वो कम एंटर करेगा, जिसके चलते हमारा जो टर्बाइन है, अगर स्टीम कम एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, आरपीएम ऑटोमेटिक, वो उसको कम एनर्जी मिल रहा है तो आरपीएम कंट्रोल हो जाएगा, यानी आरपीएम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एक चीज देख लेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा लोड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो टर्बाइन का आरपीएम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन में हमको क्या करना है, स्टीम का फ्लो बढ़ाना है, तो वो कैसे होता है उसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए यह हमारा अभी यहां पे पोजीशन था, फिर मान लीजिए यहां पे और रिड्यूस हो गया आरपीएम, और रिड्यूस हो गया, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जो स्लीव है उसका पोजीशन मान लीजिए यहां पे आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यह वाला जो आपको लिंक दिख रहा है, यह अब क्या होगा, यहां पे ऐसे ऐसे कनेक्ट होगा, तो ये इतना क्या हुआ, नीचे की तरफ मूव किया, ये क्या हुआ नीचे की तरफ, पिस्टन हमारा इधर, तो जो रेड वाला जो दिख रहा है वो पिस्टन हमारा कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और ठीक है, और ये वाला जो है हमारा इस पोजीशन में आ जाएगा। तो क्या होगा, ऑयल जो है पंप के द्वारा जो इन करता है स्पूल वाल्व में, वो यहां से इन करेगा और इस पोर्शन से, क्योंकि रेड वाला नीचे आ गया तो इस पोर्शन से हमारा एंटर करके आ जाएगा सर्वो मोटर में, ठीक है। और यह क्या करेगा, अब यहां से प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जो ऑयल होगा एक्सेस, जब ये ऊपर उठाएगा तो इस इधर से ऑयल निकलेगा, और ये ऑयल हमारा क्या होगा, ये वाला तो ओपन हो गया है ना, तो यहां से आके हमारा एमओटी टैंक जो होता है जहां पे ऑयल को कंटेन करते हैं वहां पर आके स्टॉक हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहां से ऑयल इन कराएंगे ऐसे जाएगा और यहां से रिटर्न होगा, जब अब यहां से अगर ऑयल जाएगा तो यहां से ऑयल क्या होगा, रिटर्न होकर टैंक में आ जाएगा, और यह जो है एक पंप के द्वारा ऑपरेट करते हैं, ऑयल जो है एक पंप के द्वारा एक टैंक से निकाल के इसको देते हैं। तो ये हुआ हमारा, तो जैसे यह क्या हुआ, देखिए
अब हमारा ये ऊपर उठेगा तो ये पैसेज खुल जाएगा, जिससे स्टीम ज्यादा एंटर करेगा, टर्बाइन का आरपीएम जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में समझ लिए कि कैसे थ्रोटल गवर्नर के द्वारा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है, हमारा ऑल अबाउट थ्रोटल गवर्नर के बारे में, जिसमें हम लोग समझ लिए कि कैसे टर्बाइन के आरपीएम को थ्रोटल गवर्नर के द्वारा गवर्निंग किया जाता है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह वीडियो जो है बहुत सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी को फायदा हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच।